Be strong enough to stand alone, smart enough to know when you need help, and brave enough to ask for it. Before asking God for anything, first thank Him for everything. महाभारत में द्युत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। दुशासन के द्वारा चीर हरण कर जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब सभा में मौजूद सभी भीष्म द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज भी चुप बैठे। जब द्रौपदी को एहसास हुआ कि वह बड़े संकट में पड़ गई, उसने अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण का नाम पुकारा। तब श्री कृष्ण ने चीर दान देकर द्रौपदी को बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव इस संबंध में श्री कृष्ण से कई सवाल किए, जो हमें उद्धव लिखित उद्धव गीता में मिलेंगे। उद्धव श्री कृष्ण से एक बार पूछता है कि जब श्री कृष्ण पांडवों के आत्मीय मित्र थे और जब पांडव श्री कृष्ण पर पूर्ण भरोसा रखा और श्री कृष्ण महान ज्ञानी और भूत वर्तमान की ज्ञाता होकर भी युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा खेलने से रोका क्यों नहीं? रोका नहीं तो भी श्री कृष्ण ने भाग्य को भी युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा। उद्धव ने श्री कृष्ण से ये भी कहा कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे और कम से कम उनके धन राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। युधिष्ठिर खुद को और अपने भाइयों को भी हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दाव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया। कम से कम श्री कृष्ण तब हस्तक्षेप करना था। जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारने पर श्री कृष्ण द्रौपदी को बचा लिया। उद्धव का दावा यह है कि जब श्री कृष्ण संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो उसे आपद बांधव कैसे कहा जा सकता है। उद्धव ने ये वचन सुनकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। दुर्योधन के पास द्युत क्रीड़ा खेलने के लिए धन बहुत था, लेकिन खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का उपयोग किया। युधिष्ठिर भी इसी प्रकार सोच सकते थे और दुर्योधन से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। युधिष्ठिर ने मुझे खेल में शामिल नहीं करना एक गलती है तो उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दौर्भाग्य का खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि वो कब मुझे बुलाता है। सभी पांडव दुर्योधन और दुशासन को कोसते रहे। द्रौपदी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। जब दुशासन उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया, तब उसकी बुद्धि जागृत हुई और तब उसने मुझे पुकारा। श्री कृष्ण के इस जवाब से उद्धव संतुष्ट ना होकर श्री कृष्ण से ऐसा पूछा था कि संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं जाओगे? क्या आप तब भी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल पर आधारित है। ना ही मैं इसे चलाता हूँ, ना ही हस्तक्षेप करता हूँ, मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ। तब उद्धव ने पूछा कि हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे, और हम पाप की गठरी बांधते रहे और उसका फल भुगते रहे? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई समझकर अनुभव कर लेंगे कि भगवान उनके समीप साक्षी के रूप में हर पल है, तो वह कुछ भी गलत या बुरा कर सकेगा? जब कोई भूल जाते हैं और समझते हैं कि भगवान से छुपकर कुछ भी कर सकते हैं, तब भी वह कठिनाइयों में फंसते हैं। युधिष्ठिर का अज्ञान यह था कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप
कुछ और नहीं होता। श्री कृष्ण के इन बातों से उद्धव समझ गए कि गड़बड़ तब होती है जब हम भगवान के उपस्थिति भूलकर संसारिकता में डूब जाते हैं।